पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 7 वर्ष पूर्ण होने पर बीजेपी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष दिलीप वर्मा के आवास पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 36 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। बता दें कि रक्तदान शिविर का उद्घाटन पार्टी के पूर्व सांसद रविंद्र कुमार राय ने किया। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। देशवासी के द्वारा बहुत ही स्वागत होगा और उसका जितना स्वागत किया जाए वो कम है। संवेदनशीलता और ममता का एक प्रदर्शन प्रधानमंत्री जी ने इन अनाथ बच्चों के सहयोग के लिए जो पैकेज की घोषणा की है उसमें देखा जा सकता है। वहीं पार्टी के किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष दिलीप वर्मा का क्या कहना है, आप भी देखिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए उनके सेवा भाव को आज जो 7 साल में जितनी सेवा नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा पूरे देश में किया गया है, सभी क्षेत्रों में जिस तरह से उनके तो द्वारा संकल्पित होकर के जिस तरह के विकास, जिस तरह के सेवा भाव से ये कार्य किया गया है, उसके देखते हुए पार्टी के द्वारा निर्देशित यह रक्तदान शिविर चलाया जा रहा है। मौके पर मौजूद पार्टी नेता से जिला परिषद उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान ने क्या कहा, आइए देखते हैं। किसान मोर्चा और युवा मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में जो किसान मोर्चा के अध्यक्ष जी के आवास पर रक्तदान शिविर है और आज पूरे गिरिडीह जिले के, जैसा जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि 500 गांवों में लोग सेवा भाव से सैनिटाइजर, मुफ्त अनाज, मास्क वगैरह सब वितरण करेंगे। हम इतना ही कहना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए काम नहीं करती, वो जनता की सेवा के लिए काम करती, जिसका मुख्य उदाहरण आपने गिरिडीह जिला में देखा। हमारे युवा मोर्चा के साथी किस तरह कोविड के जो उसमें मृत हो जाते थे, किस तरह लोगों ने सेवा करके उनका दाह संस्कार कराया। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ही एक पार्टी है जो सेवा भाव से काम करती है, सिर्फ सत्ता के लिए काम नहीं करती। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।